Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about fourth lecture of trigonometry and that is practice question based on trigonometry's angle. तो बेटा आज हम जो discuss करने वाले हैं वो हमारा जो chapter number 8 है trigonometry introduction to trigonometry काफी अच्छे से आपको पता है उसी के फोर्थ लेक्चर के बारे में जो कि हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन रहने वाला है काफी अमेजिंग शानदार जबरदस्त आज का लेक्चर रहने वाला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स को मैंने काफी अच्छे से आपको इजीली समझाया था आपको पता है कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से किस तरह से साइन 30 कोस 30 जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे इन सबके वैल्यूज फाइंड किया है ओके तो इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज के लेक्चर में तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया हम क्या करने वाले हैं यहाँ प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं पहले तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 टू 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में NTSC NSC जैसे PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो आई होप मैं इसी आपसे पूरी पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है इसके बारे में तो काफी अच्छे से आप वाकई वही सही मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए इन ग्रुप्स के जो कोड्स है क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है T.MSLSCTB06 क्लास 7 T.MSLSCTB07 एज वेल एज क्लास 8 T.MSLSCTB08 क्लास 9 T.MSLSCTB009 एंड क्लास 10 जो कि हमारी मेन क्लास है इसका ग्रुप कोड रहने वाला है T.MSLSCTB010 आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है फर्स्ट पैकेज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस होमवर्क सबमिशन बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है तो क्या करना होगा आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यहां पर टेस्ट सीरीज का जो कि आप देख पा रहे हो ओनली ओन 3500 रुपीज में मिलने वाली है इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर साथ में रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस मतलब कि ये भी आपके लिए काफी शानदार और जबरदस्त पैकेज रहने वाला है तो आपको क्या करना है फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंचते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है मैं लेकर आया हूँ यहाँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकिन 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 उसके लिए आपको क्या करना होगा एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS Live मतलब कि इस LS Live कूपन कोड के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त और फाड़ू यहाँ पर आपको यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है डिस्काउंट के साथ में तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर और अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा साथ में आपको यहाँ कुछ फैसिलिटीज भी मिलेगी पेमेंट की जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जिस भी फैसिलिटीज से हम चाहें उस फैसिलिटीज से हम पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है देखो 9549041111 फटाक से आपको फोन उठाना है इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं ओके
चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, क्या बनना है बेटा आपको यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकाल कर शुरू हो जाओ मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि हमारे डिपेंडेंट रहने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स से। तो इसके लिए आपको पेन की तो यूज और नोटबुक का यूज तो जरूरी है ही सही। ओके, तो चलिए जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री एंगल। देखो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया। मैंने आपको वहां पर बताया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है और ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोनो एंड मेट्रोन। ट्राई से मीन है यहाँ पर 3, गोनो से मीन है साइड और मेट्रोन से मीन है मेजरमेंट, मतलब कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। तो हम क्या कह सकते हैं, जहां पर भी 3 साइड्स की बात आती है वहां ट्राइंगल आता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो मेनली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल आते ही तो आपको पता है कि पाइथागोरस का श्योर है कि आना, पाइथागोरस के बिना तो काम चलने वाला नहीं है। और हमें पता है पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा है कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स के स्क्वायर का सम करते हैं तो वो इक्वल होता है उसकी 3rd साइड के स्क्वायर के, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। ओके, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 6 रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, इन सबके स्टडी करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, जहां पर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ओके, ये कंप्लीट हुआ। फिर हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में डिस्कशन किया। और ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स में हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे उनका 30 डिग्री पर क्या वैल्यू रहने वाला है, 60 डिग्री पर क्या वैल्यू रहने वाला है, 45 डिग्री पर क्या वैल्यू रहने वाला है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या यूज किया, आपको पता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हेल्प से ही हमने सारे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यू को फाइंड किया। ओके, ये सारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम इसी के बिहाफ पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके लिए आपको जो मैंने एक टेबल ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है वो काफी अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको वो डिराइव करना आ गई ना यहाँ पर, तो समझो आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो ट्रिग्नोमेट्री एंगल से रिलेटेड बहुत ही इजीली अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पर व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रीरिक्विटीज क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, साथ में कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक बार ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख लेते हैं, क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। इसके लिए देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3 और 4 तक आपके काउंटिंग नंबर लिख देने हैं, और फिर सब में क्या करना है, 4 का डिवाइड कर देना। जिससे ही आप 4 का डिवाइड करते हो और उस पूरे का क्या ले लो, आप रूट ले लो। तो फाइनली आप देखते हो कि यहाँ पर एंगल तो आ जाएगा आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इसके लिए साइन थीटा की वैल्यू होगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्लियर? फिर कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, हम साइन थीटा को उल्टा कर देंगे, मतलब कि पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हम पीछे से लिखना शुरू करते हैं तो 1 cos 0 की वैल्यू 1 है आपके पास, 30 की √3/2 और 45 की 1/√2 और 60 की 1/2 और इसकी 90 की 0। क्लियर? फिर इसके बाद टैन थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या किया, टैन थीटा की वैल्यू के लिए हमें पता है कि टैन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, क्लियर? तो इसकी हेल्प से हमने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड किया। तो टैन 30 का वैल्यू क्या है आपके पास, 0 है। फिर टेन जीरो का वैल्यू 0 है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, टेन 45 का वैल्यू आपके पास 1 है, टेन 60 का √3 और टेन 90 का नॉट डिफाइंड, मतलब कि इन्फिनिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ओके, फिर इसके बाद कोसेक थीटा के लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि कोसेक थीटा जो होता है ना वो 1/sin θ होता है। ठीक है, तो साइन थीटा की ऑलरेडी वैल्यू है, इसे ही हमारे पास 1/sin θ कर दिया हमने। यहां तक ये सारी चीजें कंप्लीट हुई। फिर हमने sec थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, sec थीटा के लिए देखो, sec थीटा के लिए हमने यहाँ पर वही सेम कॉन्सेप्ट cosec थीटा वाला ही एक तरह से यहाँ पर यूज किया है। sec थीटा के लिए sec थीटा जो होता है वो होता है हमारा 1/cos θ के इक्वल। sec थीटा किसके इक्वल होता है, 1/
कोस थीटा के इक्वल। ओके इसी हेल्प से हमने पूरा सेक थीटा का वैल्यू फाइंड किया और फाइनली हमारे पास यहाँ पर टैन थीटा है, ये कोट थीटा है, तो कोट थीटा को क्या किया हमने टैन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दिया, मतलब कि नॉट डिफाइंड, फिर रूट थ्री, फिर वन, वन बाय रूट थ्री, जीरो। तो ये हमारी पूरी एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल रेडी हुई थी, काफी अच्छे से आपको पता है सारी चीजें हमने बहुत ही इजीली और अच्छे से समझी। तो आज हमें ना इसी टेबल के बेस पर आपको याद रखना है कि एग्जाम में जब आप जाते हो तो वहां पर पहले से ही आप जो आपका रफ पेज होता है उस पर ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसको पहले ड्रॉ कर लो। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद नहीं है तो आप पहले ही क्या करो वहां पर जल्दी से फटाफट से एक बार ड्रॉ कर लो, ताकि आप रफली उसे ड्रॉ कर लोगे ना तो आपकी जो भी सारी वैल्यूज है ना इनके एंगल्स की वो ऑलरेडी आपके सामने रहेगी, तो किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। और बाकी तो आपको कैलकुलेशन का तो मोस्टली याद रखना ही। ओके तो चलिए बेटा फटाफट से इसको नोट करना है तो नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे। देखो कोट, एक बात और बता देता हूँ, कोट थीटा की वैल्यू है ना एक तो टेन थीटा का उल्टा भी कर सकते हो आप, और एक कोट थीटा को लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी, जैसे टेन थीटा को लिखते हैं ना हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट, तो इसका इसका अपोजिट करोगे तो कोस ऊपर चला जाएगा साइन नीचे आ जाएगा। ओके ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट करना है आपको तो नोट कर सकते हो आप फटाफट से, ताकि चलते हैं हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें, आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। ओके चलिए सबसे पहले देखिए इवेल्युएट करना है आपको साइन स्क्वायर 45 कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कोस स्क्वायर 60 को। ओके तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है उसका नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ओके अब देखो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर साइन 60 साइन 0 1/2 1/√2 रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और कोस 60 की वैल्यू उल्टा करोगे मतलब कि 0 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके क्लियर है, तो यहां पर हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं सारी वैल्यूज पुट करके। देखो सबसे पहले साइन 30 साइन 45 की 1/√2 कोस 45 की 1/√2, क्लियर साइन 60 की रूट 3/2 कोस 60 की 1/2। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलिए फटाफट से देख लो साइन 45 की 1/√2 तो इसका होल स्क्वायर माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 तो इसका भी होल स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास रूट 3/2, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका भी स्क्वायर। आप चाहें तो डायरेक्ट ये चीज नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हम वैल्यू तो पुट कर रहे हैं ना। माइनस कोस 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, आ जाओ ये देख लो कहीं डाउट नहीं रहे, कोस 60, ये कोस 60 1/2। ओके क्लियर है, तो फाइनली ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब देखो यहां पर हो गया 1/2 माइनस ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 3/4 माइनस 1/4, क्लियर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, ये तो हो गए आपस में कैंसल। ओके ये तो हो गए रवाना। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, हमें मिलता है यहां पर 4, क्या मिलता है 4, ये तो क्या हो गया 0 हो गया ना भाई, ये माइनस का और ये प्लस का है तो 0 हो गया ये तो। तो फाइनली 4 एलसीएम लेते हैं तो ये 3 माइनस 1 मतलब 2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2 आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ओके तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, हमने कुछ नहीं किया, इन सब की वैल्यूज को एक तरह से पुट किया और फटाफट से इन्हें सॉल्व कर दिया। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस ध्यान रखना बेटा आपको कि यहां पर किसी तरह की आपसे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपसे मिस्टेक हो गई ना कैलकुलेशन में तो आपकी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, और एक बार अगर कैलकुलेशन बिगड़ी तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इफ ए इक्वल 60 बी इक्वल 30 डिग्री वेरीफाई दैट साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल साइन ए प्लस बी। तो आपको यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं
ये आपके हायर क्लास का क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में आगे स्टडी करोगे। ओके क्लियर है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमें इस कंडीशन से रिलेटेड जो एंगल है ना वो गिवन है। अब जब हमारे पास एंगल गिवन है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो आ जाओ, ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 60 डिग्री, बी की वैल्यू गिवन है आपको 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ऑलरेडी आपको गिवन है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, किसके इक्वल है ये, साइन ए प्लस बी के इक्वल। अब देखो आप चाहो तो पहले LHS लेके फिर RHS प्रूव कर सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों को इक्वल भी सॉल्व कर सकते हो। ओके अब देखो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 डिग्री, बी की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30 इक्वल साइन ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। ओके तो देखो इसे हम एक बार ऐसे का ऐसे रहना देते हैं, यूं ही लिख देते हैं वापस, ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। 60 प्लस 30 कितना हुआ साइन 90, इसके लिए हमने इसे एज इट इज रहने दिया। अब आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी, कोस 60 की वैल्यू क्या रहेगी, साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है साइन 90 की भी। ओके तो देखो साइन 60 तो 0, 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2, रूट 3 बाई 2 क्या होती है, रूट 3 बाई 2, तो ये तो हो गया आपके पास रूट 3 बाई 2 इंटू कोस 30। आ जाओ कोस 30 की वैल्यू देख लो, देखो साइन 60 की तो रूट 3 बाई 2 और कोस 30 की वैल्यू है आपके पास यहाँ पर रूट 3 बाई 2, कितना है बेटा रूट 3 बाई 2 प्लस कोस 60 की वैल्यू। आ जाओ कोस 60 देखो फटाफट से, कोस 60 ये कोस आपके पास और ये 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2, क्लियर, तो ये हो गया आपके पास 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपके पास 1, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम फटाफट से देखो 1 बाई 4, कोई प्रॉब्लम, इक्वल 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहां तक सारी चीजें समझ में आई। देखो ये हो जाएगा 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 इक्वल 1, 4 एलसीएम लेते हैं हम तो ये हो गया 3 प्लस 1 इक्वल ऑलरेडी 1 चल रहा है हमारे पास, यहां से 4 बाई 4 इक्वल 1, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल 1 मिल रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो LHS है ना वो इक्वल है RHS के, किसके इक्वल है, LHS इक्वल है RHS के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी, तो जब हम यहां पर थीटा की वैल्यू मतलब कि ए की वैल्यू अगर 60 और बी की वैल्यू अगर 30 पुट करते हैं तो हमें फाइनली मिलता है ये 1 के इक्वल, जो कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब फटाफट से आप इसे नोट कर लो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ जैसा बोला गया है उन स्टेप्स को सिर्फ और सिर्फ हमने फॉलो किया है। ओके फटाफट से नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन से थोड़ा जल्दी करो बस, काफी सारे और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं ना, 20 मिनट्स हो गए हैं, देखो थोड़ा जल्दी सॉल्व करोगे तभी हम आगे चल पाएंगे। वापस समझाओ मैं एक बार, कहीं डाउट है, देखो हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हमारे पास ये पार्ट ऑलरेडी गिवन है ना, अब हम चाहते हैं तो ये हमारा है LHS, क्या है बेटा ये LHS और ये है हमारा RHS, हम चाहते हैं तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं फिर RHS को सॉल्व करते हैं, और अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती तो हम कह देते कि LHS इक्वल है हमारा RHS के, लेकिन हमने क्या किया दोनों को साथ ही सॉल्व करते गए। यहां पर हमें A की वैल्यू 60 गिवन है, B की वैल्यू 30 गिवन है, तो हमने डायरेक्टली इसी सिक्वेंस में इन्हें सोल्व करते गए, A की वैल्यू मतलब कि यहां पर हमारे पास A है तो साइन 60 कर दिया, B है तो कोस 30 कर दिया, कोस 60 कर दिया साइन 30, ओके फिर ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है हमारे पास उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किया और इस क्वेश्चन के जो भी हमारे डाउट्स थे भाई
वैल्यू से रिलेटेड उन सबको हमने पुट कर दिया। बस इतना सा काम आपको यहाँ पर करना है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया पूरा पूरा? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमेजिंग क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, फाड़ू, बहुत ही इजी है, लेकिन एक बार थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर गिवन है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर हमारे पास थीटा एक एक्यूट एंगल है और साइन थीटा इक्वल है कोस थीटा के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 210 स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें यहां पर वैल्यू फाइंड करना है इसका, ठीक है? मतलब कि हमें ऑलरेडी पहले गिवन है यहां पर कि ये जो पार्ट है ये थीटा क्या है हमारा? एक्यूट एंगल है। थीटा एक्यूट एंगल है मतलब कि 90 डिग्री से तो कम रहने वाला है, इतना तो श्योर हो गए हम क्वेश्चन में। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलो पहले गिवन पार्ट की बात कर लेते हैं। थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं, थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, पहले जो कंडीशंस गिवन है उनको देखते हैं। देखो यहां पर आपको गिवन है ऑलरेडी साइन थीटा जो है वो इक्वल है किसके? कोस थीटा के। किसके इक्वल है साइन थीटा? कोस थीटा के। तो फाइनली अगर मैं इस कोस थीटा को अपॉन में ट्रांसफर कर देता हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल 1। क्लियर है? 1 क्यों? 1 इंटू कोस थीटा लिखोगे इसको तो भी 1 ही तो मिलेगा ना, या तो भाई अपॉन में जा रहा है ये तो। ओके, हमारा मेन मोटिव क्या है यहाँ पर? सबसे पहले इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई और हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमें तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, इतना सही तो काम करना है। तो इस थीटा के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। अब आपको काफी अच्छे से पता है ऑलरेडी, वी नाउ दैट साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल होता है हमारा टेन थीटा के। होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो पुट कर दो यहां पर tan थीटा इक्वल 1। अब tan थीटा की 1 वैल्यू कब होती है? कब होती है? जब tan थीटा 45 डिग्री का हो, मतलब कि tan 45 डिग्री का हो तब वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि थीटा हमारा क्या होगा? 45 डिग्री। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। पीरियड वो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वहां पर देखना, थीटा की वैल्यू आपको 45 पर ही मिलेगी 1। ओके, जब आपके पास tan 45 की वैल्यू 1 होगी तो आप समझ जाना कि वो वैल्यू tan 45 की ही है, श्योर है। ओके, तो देखो 45 मतलब कि थीटा हमें यहां पर 45 डिग्री मिला है, तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये कि एक्यूट एंगल है, तो बिल्कुल थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं इसकी, 210 स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। यहां पर देखो 210 स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 45 माइनस 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। 2 इंटू 10 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ये लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस साइन 45, 0, 1 बाई 2, 1 बाय रूट 2 कितनी होती है? 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1। तो यहां पर देखो फटाक से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आता है हमारा 2, तो ये हो गया 4 प्लस 1 माइनस 2, तो फाइनली 3 बाय 2। तो हम क्या कहने वाले हैं यहां पर? 210 स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलती है 3/2, और यही हमारा आंसर है। ओके, समझ में आया ना पूरा पूरा? कितना इजी वे में हमने समझा इसे। जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उस पार्ट को लिख लो, क्योंकि एक बार आपको वो पार्ट समझ में आ गया ना पूरा, तो गारंटी है मेरी किसी भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना हो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। भाई जब हमें यहाँ कहा गया है कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो श्योर है कि वो 90 डिग्री से कम होगा, और 90 डिग्री से कम मिलते ही तो हमें हमारी कंडीशंस ऑलरेडी मिल गई है, क्योंकि 45 मिला है हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू, और पीरियड जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके एंगल्स की वैल्यू को पुट किया और सॉल्व कर दिया। तो 210 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो हमें वैल्यू फाइंड होती है वो फाइंड होती है 3/2। ओके, फटाक से नोट करो, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो आपको इसको नोट कर लो फटाफट। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, बहुत ही ईजी, चिल मारो आराम से, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके।
किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, किसी भी तरह का बिल्कुल मस्ती मजाक में सॉल्व करते जाइए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पता है तो सब कुछ पॉसिबल है, और वैल्यूज़ अगर पता नहीं है ना तो फिर सारी प्रॉब्लम्स यहीं होने वाली है। तो यहाँ पर मेन आपको इसीलिए मैंने कहा है कि पहले आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो रफ पेज जो रहेगा आपका वहाँ पर जल्दी से एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो बना लेना, और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वैसे ट्रिक है ना पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, वो लिख लेना आप एक बार, ताकि यह उससे आपका टाइम काफी सेव हो जाएगा, और टाइम सेव होते ही तो फटाफट से आपको वैल्यूज तो पुट करनी रहेगी। ओके चले आगे, हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, शानदार, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, देखो फटाफट से इव्यूलेट करना है आपको साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 45 को, फटाफट से करके बता दो मुझे, फटाफट से इसको इव्यूलेट करके बता दो क्या आंसर आ रहा है आपके पास इसका, ये तो ओरली सॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें एविलेट करने वाले थोड़े से हार्ड पैटर्न अभी आने वाले हैं आपके, इजी से स्टार्ट इसलिए करते हैं ताकि आपको भी मजा आए सॉल्व करने, पहले में आप अटक जाओगे तो दूसरा आप सॉल्व करोगे क्या, नहीं करोगे, मुझे ही करवाना होगा वो, इसलिए पहले आप इसे सॉल्व करो, जल्दी से करो बेटा फटाफट से, 30 seconds का टाइम दे रहा हूं मैं, जल्दी से ओरली सॉल्व कर लो और बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी देखने की आपको जरूरत नहीं है इसके लिए, फटाफट से फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है आपका इसका आंसर, साइन 60 मतलब कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू फटाफट से बताओ 1/√2, ठीक है यही होगी ना, आ जाओ देख लो परेशान मत हो, देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2, क्लियर है, तो फाइनली पुट कर दो, ये √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 1/√2 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब कि 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2, तो फाइनली एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये हो गया 3 + 2 मतलब कि 5/4 आपका आंसर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना, छापो जल्दी से फटाफट से, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करके बताओ आप मुझे जल्दी से, ये लो बी पार्ट सॉल्व करो यहाँ पर फटाफट से सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से, कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, क्लियर है, और साइन 1060 की वैल्यू, 1060 की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों को पुट करो और सॉल्व करके बता दो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करके बता दो, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है बेटा, टाइम नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर आप स्पीड बना लोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन में आप स्पीड बनाने वाले हो हर एक पार्ट में, क्योंकि इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री जो हमारे एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो देखा ना आपने कितना ईजी और कितना शानदार और कितना छोटू सा चैप्टर है ये हमारा, और इसके बाद में जो आपका चैप्टर आने वाला है ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बहुत फाड़ू चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको आप बोलते हो, ओके, तो वहां पर भी आपको काफी मजा आएगा, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप इसको रेडी रखना, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके एंगल्स की जो वैल्यूज है ना इन्हें आप याद रखना, क्योंकि ये वहां पर हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है हमारे लिए, इसलिए ओके, तो चलो आप देखो 1060 की वैल्यू देखो फटाफट से, 1060 ये 1060 की वैल्यू हो गई आपके पास √3, ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आपके पास हो गई cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, तो देखो फटाफट से आप पुट कर दो, कुछ काम बचा है क्या, नहीं बचा है, आ जाओ फटाफट से, थ्री cos स्क्वायर 30° प्लस 10² 60°, ओके क्लियर, यहां से देखो 3 √3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू मिलती है हमें √3, ओके क्लियर, तो फाइनली यहां क्या देखोगे आप 3 √3/4 + 3, तो फाइनली ये हो गया 9/4 + 3, एलसीएम लेना काफी अच्छे से आता है आपको, ये लो 4 9 + 12 ये हो गया आपका 21/4 आपका आंसर, ये इतना सा कॉन्सेप्ट था बस,
कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन से यार सिर्फ आपको कैलकुलेशंस में ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की वैल्यूज में आपको ध्यान देना है। अगर ये दोनों चीजें आपको आ गई ना तो बाकी जगह तो आप टेंशन फ्री रहो बिल्कुल मस्त, क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो गई मतलब कि पूरा पार्ट खत्म हो गया हमारा। और कैलकुलेशन में गलती कब होगी, जब आप यहाँ पर वैल्यू गलत पुट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन में वैल्यू गलत होने वाली है। ओके, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ये तो आपको सारी चीजें पता है, इसे अपॉन में स्क्वायर लगेगा ही सही, क्योंकि रूट है ही नहीं तो स्क्वायर ही लगेगा यहाँ पर। क्लियर है, फटाक से छापो जल्दी से, फिर नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, काफी टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए यार। चलो सी पार्ट देखो, 4 sin² 45 + 3 tan² 30° प्लस 8 sin² 45° माइनस कोस स्क्वायर 45°। अब मुझे फटाफट से यहाँ पर सारी वैल्यू बता दो और फटाफट से सॉल्व करके बता दो, जल्दी से फटाफट से सॉल्व करो, मैं पानी पी लेता हूँ बेटा। अब फटाफट से बताऊं, जल्दी से सॉल्व करके क्या मिल रहा है आपको इसका आंसर, फटाफट से बेटा सारी वैल्यूज आपको पुट करना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल ध्यान से, इजीली, परेशान नहीं होना, ठीक है। 4 sin² 45° प्लस 3 tan² 30° प्लस 8 sin² 45° माइनस कोस स्क्वायर 45°। क्लियर, अब यहां पर देखो 4 sin 45 की वैल्यू मतलब 0, 1/2, 1/√2 क्या होती है, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है ना। ओके, प्लस 3 टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है यहां पर 1/√3, तो ये हो गया आपका 1/√3 का होल स्क्वायर, प्लस 8 sin 45 की अभी हमने वैल्यू लिखा है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस कोस 45, ये भी होगा आपके पास 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं, चलिए ये हो गया आपके पास 4 × 1/2 प्लस 3 × 1/3 प्लस 8 × 1/2 माइनस 1/2। क्लियर, तो देखो ये 2 times, ये 1 time, ओके, ये 4 time, क्लियर यहां तक। चलो तो फाइनली 2 + 1 + 4 - 1/2 यही मिलेगा, यहां से एलसीएम ले लो, 2 LCM आया, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 2 + 8 - 1। कोई प्रॉब्लम यहां तक फटाफट, 4 और 6 तो ये हो गया आपके पास 13/2। क्लियर है, यहां पर बेटा प्लस करो, प्लस आएगा यहां पर, क्या आएगा यहां पर, प्लस का साइन आएगा, और जैसे ही प्लस आता है तो ये हो जाएगा आपका 14/2, और 14/2 होने का मतलब हो गया इसका आंसर आपको मिलेगा 7। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, यहां पर प्लस है, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 14/2 का मतलब हो गया 7 हमारा आंसर है। तो इसका आपको वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, 7, 4 sin² 45° प्लस 3 tan² 30° प्लस 8 sin² 45° प्लस 3 cos² 45° इसका वैल्यू मिलता है हमें 7। ओके, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको, नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन करना है बस। ओके, क्लियर है, पॉजिटिव क्यों किया, वैसे नेगेटिव भी रहता तो हमें प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन एक एक्यूरेट हमें परफेक्ट आंसर मिल जाए इसलिए हमने यही किया है। ओके, क्लियर है ना, सारी चीजें समझ में आई आपको, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहाँ पर, बहुत ही इजी चीजें हैं बेटा, बहुत ही इजी, सिर्फ आपको एक बार यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करना आ गया ना तो आप सारी चीजें सॉल्व करना सीख जाओगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट करना है आपको, क्या करना है यहाँ पर आपको, इसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने के लिए क्या करोगे, 2 sin² 30° माइनस 3 cos² 60° प्लस 4 cot² 30° इन सबकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 मतलब कि ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू, क्योंकि ये पीछे से आगे जाएगी
तो 1/2 होगी कोर, कोर 30 की वैल्यू, ठीक है ये पुट करो आप, कोर 30 की वैल्यू होगी रूट 3। सारी एक बार मैं आपको चेक करा दूंगा, अभी फटाक से सॉल्व करो, मैंने आपको एक बार बता दिया है, अब फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो, वैल्यूज मैंने आपको बता दिया है, एक बार वापस मैं आपको टेबल पर ले जाकर मैं चेक जरूर करवाऊंगा सारी वैल्यू, क्योंकि आपको लगेगा कि सर क्या मस्ती मजाक कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो आप भी, ऐसा नहीं होगा, जो मैंने बताया वही आपकी वैल्यू है। ओके चलो सॉल्व करके बता दो आप जल्दी से फटाफट से। थोड़ा सा जल्दी करो, बस जल्दी सॉल्व करोगे तो मुझे भी मजा आएगा, क्योंकि मुझे भी तो फील होगा ना कि यार हाँ सब कुछ आ गया आपको, अब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, सही कहा ना। तो चलो देखो आप चेक कर लो, 30 साइन 30 कोस 60 और कोट 30। देखो साइन 30 1/2, कोस 60 1/2 और कोट 30 रूट 3, यही कहा था ना मैंने। ओके क्लियर है, चलो आप आ जाओ, चलो अब सॉल्व कर दो। टू साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कोस स्क्वायर 60 प्लस कोट स्क्वायर 30, क्लियर। तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके क्लियर यहां तक। चलिए 2 × 1/4 माइनस 3 × 1/4 प्लस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैंसिल हो गया 2 times, तो यहां से मिलता है 1/2 × 3/4 प्लस 3। 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, ये देखो 2, 1, 2, 4। ओके क्लियर है, तो फाइनली इसका एलसीएम कितना मिला आपको 4, तो ये हो गया आपके पास 2। एक मिनट, यहाँ माइनस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो हमने मल्टीप्लाई क्यों लगा दिया यहाँ पर, ये माइनस साइन 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 12। ओके तो फाइनली देखो यहाँ कितना हो गया, ये 12 और 2 14, 14 − 3 11, 11/4, यही आपका यहाँ पर आंसर है। लीजिए फटाक से सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सॉल्व तो कर ही दिया है हमने, और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ओके तो समझ में आया ना कि किस तरह से कितना ईजीली हम सारी चीज़ें आराम से सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर बार बार मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर ध्यान देना है, अगर वो आपको आती है तो इस पार्ट से आपका कोई भी मार्क्स नहीं कट होने वाला है किसी भी तरह से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर की बात करते हैं यार, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी। ओके फटाक से नोट कर लो आप जल्दी से फटाफट से, हो गया नोट, चले आगे। चलो यहाँ है हमारे पास साइन 30° माइनस कोस 60° टेन 45° माइनस कोट 45°। देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, फटाफट से बोलो, 1/2। कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू √3/2। टेन 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1। फटाक से सॉल्व करके बता दो मुझे अब, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो कि क्या आंसर आ रहा है आपका इसका, जल्दी से एक बार आपको अगर टेबल देखना है फिर भी, तो मैं आपको टेबल के दर्शन करा देता हूं। आ जाओ ये टेबल के दर्शन करो आप जल्दी से फटाफट से, 10:45 भी 1 है और ये भी आपका 1 है, फटाफट से अब मुझे जल्दी से सॉल्व करके बता दो कि आपको आंसर क्या मिल रहा है बिना देर किए हुए, फटाफट से, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली और जल्दी से, बस थोड़ा सा ध्यान जो रखना है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है ना, क्या साइन है ये, मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस नहीं है ये, यहां पर ये डिग्री के नीचे जो साइन लग रहा है ये माइनस से रिलेट नहीं कर रहा है, ये साइन आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है वो डिग्री के यहां पर तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फटाफट से मुझे बता दो बेटा क्या आंसर मिल रहा है आपको इसका, जल्दी से फटाफट, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आओ देखो, साइन 30 × cos 60
टेन 45 डिग्री इंटू कोट 45 डिग्री, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 0 1 बाई टू, ठीक है। कोस 60 0 1 बाई टू, 1 बाई रूट टू, रूट 3 बाई टू, रूट 3 बाई टू मतलब कि इधर आएगा, इंटरचेंज होगा, तो इसकी कोस 60 की वैल्यू हो गई रूट 3 बाई टू अपॉन 1 इंटू 1। तो फाइनली अब आप देख लो, सॉल्व कर लो और आपको अपना आंसर मिल रहा है। रूट 3 बाई ये क्या हो जाएगा आपके पास, फटाफट से रूट 3 बाई 4, रूट 3 बाई 4 का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया फटाफट से बोल दो, अब कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, यही होगी ना रूट 3 बाई 2। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार, ये लो कोस 60, 1 बाई 2 सॉरी 1 बाई रूट 2 लिख दिया मैंने, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाता है यार, एक्साइटेड हो गया था मैं, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है, क्लियर है। अब तो आपका काम हो गया है 1/4, ओके सॉल्व कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये भी रिलेट कर रहा है आपका इसी तरह से। साइन 60 की वैल्यू पुट करना है, टेन 60 का वैल्यू पुट करना है, ठीक है। रूट 3 पुट कर देना साइन 60 का, फटाफट से रूट 3 बाई 2 पुट करोगे कॉस 30 का, रूट 3 बाई 2 पुट करोगे और कॉट 30 का वैल्यू पुट करोगे आप रूट 3, क्लियर। जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करते हो, सॉल्व करते हो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से जी पार्ट, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 और 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, तो आ जाओ ये देख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, क्लियर। इसे सॉल्व करना है। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 30 और कोस 30 की होती है, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम टेन 30 की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेन 30 1 बाय रूट 3 क्या होता है आपके पास, 1 बाय रूट 3। तो फाइनली ये हो गया 1 माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, ओके यही है। यहां से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 बाय 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 3, ये लो, इसे सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन को, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 माइनस टेन 30 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसे 1 प्लस टेन 30 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देना, फिर सॉल्व कर लेना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो दोनों ही फेज में आप जिस भी तरह से सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है। काफ़ी सारा टाइम हमारा हो चुका है यहाँ पर लेक्चर में, आई होप आपको सारी चीज़ें इजीली अच्छे से समझ में आई होगी। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया है और कुछ नहीं किया है। ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर साइन 30 का पावर 4 है, पावर 4 है मतलब कि उसको 4 टाइम, ऐसा नहीं कि स्क्वायर कर दो। देखो साइन 30 0 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 की पावर कितना है, 4 है, तो ये क्या इसका मतलब हो गया, 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2, तो देखो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो क्या लिखोगे इसे आप, 1 बाय 16। इसी तरह से cos 60 की जो वैल्यू है उसका भी 4 करोगे आप, ठीक है, फिर आप सॉल्व करोगे। ऐसा मत कर देना कि स्क्वायर कर दिया आपने और सॉल्व कर दिया, गलत हो जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। इसलिए पावर 4 है मतलब कि 4 टाइम, ठीक है, या फिर आप इन्हें स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कि स्क्वायर करके होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, जैसे कि 1 बाय 2 का होल स्क्वायर किया आपने, 1 बाय 4 आया और इसका होल स्क्वायर, क्लियर है। इस तरह से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, दोनों में से जो आपको बेटर लगे उससे आपको इसे सॉल्व करना है, ओके। तो बेटा ये आज का जो हमारा लेक्चर था ये डिपेंडेंट था मेनली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे। और अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ओके। और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर क्लिक करना है, जरूर क्लिक, ठीक है, मतलब कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम उसी की तरफ से तो मिलेगी। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ओके। तो हमारा अभी तक जो काफी सारा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट और बचे हैं इस चैप्टर के, वो कंप्लीट होते हैं हमारा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अब आपको क्या करना है, इन टाइप के जो भी आपके क्वेश्चन है आपकी बुक में उनका आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।